गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर यूट्यूब के, उनको मैं जो ये नया वर्ष है 2021 है, नूतन वर्ष, इसकी हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये नया वर्ष है, आपको जो ऊँची बुलंदियाँ हैं उनको आप छुए। सभी स्टूडेंट्स, हमारे जो परिवेश जो क्लासें थी उसमें हमने पंचायती राज है उसकी 5-7 क्लासों में हमने पंचायती राज के बारे में अध्ययन किया था। पंचायती राज जो पेशा कानून है उसका भी हमने पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ उसका 9 राज्यों में है। अब आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, हमारे जो बी ए सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसका हम निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चुनाव आयोग है, कोई भी चाहे कंपटीशन एग्जाम हो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन सीधा का सीधा पुट अप होने की रहता है। ये कितने सदस्य ही है, ये एक सदस्य कब तक था, इसको वर्तमान में ये कितने सदस्य ही है, वर्तमान में इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है, ये सारी बातें इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को संविधान के जो भाग 22 है उसी प्रकार से जो निर्वाचन आयोग है इसका भाग 15 में, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। एक बार पूछा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है इसमें कितने अनुच्छेद है, तो 324, 25, 26, 27, 28 और 29 छह अनुच्छेद किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है, इस बात का ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन हमारे को ध्यान रखना है। अब उसके बाद निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या कहते हैं, मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये समझ में आ गया, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब निर्वाचन आयोग की संरचना है, जो इलेक्शन कमीशन है इसकी संरचना पूछ ले कि निर्वाचन आयोग है इसकी जो संरचना है, संरचना पूछ ले तो अनुच्छेद 324 में है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि निर्वाचन आयोग है इसकी संरचना, इसका मतलब आकार क्या है, इसका इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसकी किस प्रकार से रचना होती है, तो निर्वाचन आयोग की संरचना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 में, और कौन से भाग 15 में। अब प्रारंभ में 1950 में, प्रारंभ में हम पढ़ा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। कब की गई थी, 1950 में, कब, 25 जनवरी 1950 को। तो प्रारंभ में ये 1950 में, कहने का मतलब है 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई उस समय ये एक सदस्य ही था। काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन यूबीन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सीधा हमारे को ध्यान रखना है, जब निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई, अनुच्छेद 324 में इसकी संरचना है, रचना है, और उस समय ये एक सदस्य ही था। कितने सदस्य था, एक सदस्य था। क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न बार, प्रारंभ में 1950 में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, कौन होते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा है। कौन है, ध्यान रखना है, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ ले कौन है, तो कौन है, सुनील अरोड़ा है। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त है वो कौन थे, तो कौन थे, सुकुमार सेन थे। प्रथम का भी आज कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त वो कौन थे, सुकुमार सेन थे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1924 में निर्वाचन आयोग की संरचना है, ये किस, इसका आकार क्या है, इसके बारे में है। 25 जनवरी 1950 को जो ये इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से विभिन्न क्वेश्चन आने का, इलेक्शन कमीशन संविधान के किस पार्ट में है, तो भाग 15 में, अनुच्छेद कितने, तो 324 से लेकर 29 तक कुल 6 अनुच्छेद है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो सिद्धि 1950 में, और 1950 में कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है संरचना का। अब ये 1950 में जो निर्वाचन आयोग का एक सदस्य था और इसमें मुख्य निर्वाचन होता था, और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, और वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा है। 1989 में निर्वाचन आयोग को
अब 1950 से लेकर 1988 तक या 89 तक ही मान लो ये एक सदस्य ही था। कितने सदस्य था? इसको 1989 में क्या कर दिया? दो सदस्य ही कर दिया। पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन है, इसको दो सदस्य ही कब बनाया गया? तो 1989 में, 1989 में बनाया गया। इस बात का ध्यान रखना है, 1990 में निर्वाचन आयोग को, और 1990 में निर्वाचन आयोग को फिर क्या बना दिया? एक सदस्य बना दिया। इसका यहाँ से विभिन्न प्रकार या विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उसमें, विभिन्न एग्जामों में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1950 से लेकर 1989 तक ये कितने साल हो गए? 39 वर्ष तक एक सदस्य रहा। फिर 1989 में से क्या बना दिया? दो सदस्य बना दिया। फिर 1990 में इसको वापस क्या बना दिया? एक सदस्य ही बना दिया। इस बात का ध्यान रखना है। और 1993 से निर्वाचन आयोग है, और 1993 से निर्वाचन आयोग है, इसको कितने बना दिया? तीन सदस्य ही बना दिया। कितने सदस्य ही बना दिया? तीन सदस्य ही है वो बना दिया है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है, संविधान के पार्ट 15 में या भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक कुल 6 अनुच्छेद है। 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। संरचना अनुच्छेद 324 में पूछ ले, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निर्वाचन आयोग की संरचना किस अनुच्छेद में की गई, तो किस में की गई है? अनुच्छेद 324 में की गई। अभी ये जो बातें हमने चार यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, काफी बार पूछा गया है और गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए आप ध्यान से देख लेना। 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना जब 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो 1950 से लेकर 1989 तक 39 वर्ष तक ये एक सदस्य ही रहा था। फिर 1989 में इसको कितने बना दिया? दो सदस्य ही बना दिया। फिर 90 में इसको एक सदस्य ही बना दिया। और 1993 से वर्तमान में 2020 है, 27 वर्ष तक ये, अब ये क्या है? ये तीन सदस्य ही है। पूछ ले निर्वाचन आयोग की जब स्थापना हुई तो कितने सदस्य ही था? एक सदस्य ही। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य ही है? तीन सदस्य ही, एक अध्यक्ष होता है, दो सदस्य होते हैं। कब इसको दो सदस्यीय बनाया गया? 1989 में। और वापिस एक सदस्यीय कब बनाया गया? 1990 में। और तीन सदस्यीय कब से है? 1993 से है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है, और दो इसके जो है वो इसके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक तो है अशोक लवासा और एक कोई और है। तो ये ध्यान रखना है। इतने जो प्रमुख बातें हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तथा वर्तमान में है वो सुनील अरोड़ा है। प्रथम सुकुमार सेन थे और वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता क्या है? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता या स्वायत्ता, निर्वाचन आयोग है, इनको किन किन बातों में, किस प्रकार की जो कार्य है उन कार्यों में इनको स्वतंत्रता दी गई है या स्वायत्ता दी गई है, इनकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये क्या है? एक संवैधानिक है, पार्ट है, संविधान में इसको मान्यता मिली गई है, तो इसको क्या हुई है? संविधान से इसको स्वतंत्रता दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि सरकार ही करवाती है, सरकार है या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जिस नाम की सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति उसी को बनाएगा। पर सीधा क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति वर्तमान समय में 1993 में से निर्वाचन आयुक्त है, ये तीन सदस्य ही है। एक इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो सुनील अरोड़ा है, दो इसके सदस्य होते हैं, एक अशोक लास है, एक और है। तो ये है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य जो सदस्य है इसके दो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता व स्वायत्ता पर बल दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने का प्रावधान इस प्रकार है, मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने का कि वह किस प्रकार से इनको हटाएंगे, तो हमने पढ़ा था उच्चतम या हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उन्हीं के आधार पर इनको क्या किया जा सकता है। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जाता है, उसी प्रकार से किसको हटाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हमने पढ़ाया था कि संसद के जो दोनों सदनों के अंदर अगर कदाचार या असमर्थता के आधार पर आता है, या तो कदाचार या
कार्य करने में वो अक्षम है, इसके आधार पर इन्हें हटाने का प्रावधान है और संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और उपस्थित वह मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के जो है समर्थन से ये क्या होते हैं, हटते हैं। तो ध्यान अपने को ये रखना है, जो निर्वाचन आयुक्त है इसको जो जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी परंपरा से या उसी रीति रिवाज से इसको हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने का प्रावधान इस प्रकार है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसके वेतन एवं भत्ते के कार्य, इनके वेतन एवं भत्ते या कार्यकाल के दौरान वेतन व भत्ते, कहने का मतलब यह है कि कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं पर अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। लाभकारी अलाभकारी का ध्यान रखना है, किसी में भी कार्यकाल के दौरान अलाभकारी है वो परिवर्तन नहीं हो सकता, लाभकारी परिवर्तन ये कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के प्रसाद, ये नहीं है कि भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता, नहीं करता है, राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो इन बातों का ध्यान रखना। अब इनका कार्यकाल है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, निर्वाचन आयुक्त है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो उसले कार्यकाल तो 6 वर्ष या तो उसको कार्यकाल संभाले हुए 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो वही उसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त है ये त्याग पत्र देना चाहेंगे तो अपनी इच्छा से किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। तो आज हम इतना ही इस क्लास में, सबसे पहले हमारा जो ये इंडियन पॉलिटी की बुक है इलेक्शन कमीशन, ये हमारा लेसन है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक जो इलेक्शन कमीशन है इसकी संविधान के भाग पार्ट 15 में व्याख्या की गई है। 25 जनवरी 1950 को इसकी निर्वाचन आयोग की या इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। संरचना इसकी अनुच्छेद पूछा काफ़ी बार, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसके संविधान के किस जो अनुच्छेद है इसमें चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 324 में संरचना की चर्चा की गई है। अब 1950 में ये एक सदस्यीय था, 1950 से लेकर 1989 तक 39 वर्ष तक ये एक सदस्यीय रहा, फिर 1989 में इसको क्या बनाया गया, 2 सदस्यीय बनाया गया राजीव गांधी के समय में, फिर 1990 में इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया और फिर 1993 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के समय इस निर्वाचन आयोग को या इलेक्शन कमीशन को 3 सदस्यीय बना दिया गया, तो 1993 से लेकर ये वर्तमान 1 जनवरी 2021 तक कितने सदस्य है, 3 सदस्यीय है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है और 2 सदस्य एक अशोक लासा और एक कोई और है। स्वतंत्रता और स्वायत्ता ये अपने काम में है, स्वतंत्र होते हैं और इनको हटाया उसी प्रकार जिस प्रकार के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है और वेतन और भत्ते या इनके कार्यकाल में अलाभकारी लाभकारी परिवर्तन हो सकता है पर अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जिनमें से जो ही पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से देते हैं और प्रथम है वो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन है, सुनील अरोड़ा है। इन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारी जो ये आज की क्लास है इसमें हमने इलेक्शन जो कमीशन है इसके बारे में अध्ययन किया और आगे की क्लास में इसके बारे में हम आगे है वो अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो हमारा ये चैप्टर है परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ में आ गया होगा और हमारी जो ये बुक भारतीय राज्य स्तर में इलेक्शन कमीशन है इसका अच्छी तरह से ढंग से अध्ययन कर लेना, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना रहती है। एक बार फिर आपको नववर्ष की शुभकामनाएँ, जय हिंद जय भारत, वीडियो को लाइक कर देना।